हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूं राजन कुमार और आज मैं आपका फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है इतिहास, हिस्ट्री। तो आज हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने का बेसिक अप्रोच क्या होता है और किस तरह और भी अलग अलग जानकारियाँ हिस्ट्री से हमें मिलती हैं। सिविल सर्वेंट्स के लिए या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आम लोगों के जीवन में भी हिस्ट्री की जानकारी होने का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत बूस्ट करता है। आप अपने आसपास जो समाज देखते हैं, 100 साल के बाद ये समाज जो प्रेजेंट टाइम का है वो इतिहास बन जाएगा। तो उस समय के अगर मानवों को, उस समय के जो भी लोग होंगे, अगर उनको आज के समाज का थोड़ा सा ज्ञान होता है या आज से 300 साल पीछे के समाज का थोड़ा ज्ञान होता है तो उनकी डिसीजन मेकिंग जाहिर तौर पे एनहेंस होती है, बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं अपने फैसले। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग इन अप्रोचेस को देखते हैं और हिस्ट्री पढ़ने का बेसिक सा एक शुरुआत कैसे करें हम लोग, उसको हम लोग समझते हैं। तो आज के लेक्चर में इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इतिहास एज अ सब्जेक्ट, एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन होता क्या है। दूसरा, हिस्ट्री के सिलेबस में क्या है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाठ्यक्रम क्या है। तीसरा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी क्या होती है हिस्ट्री में। और चौथा जो है, हिस्टोरियोग्राफी एंड इट्स सोर्सेज, साक्ष्य। पांचवा, टाइमलाइन ऑफ मेजर इवेंट्स इन ह्यूमैनिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू सेटल्ड लाइफस्टाइल, एंड द फाइनल वन इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो आज हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पे, इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, इस पूरे के पूरे दुनिया में 5 एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं। जैसे पहला है ह्यूमैनिटीज, दूसरा सोशल साइंस, तीसरा नेचुरल साइंस, चौथा फॉर्मल साइंस और अप्लाइड साइंस। जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, मतलब प्लस टू के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, तो इन्हीं 5 में से किसी न किसी एक डिसिप्लिन को आप चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने ह्यूमैनिटीज को चूज किया है तो उसमें उसको क्या पढ़ना होगा, उसमें उसको क्या सीखने को मिलेगा। उसमें उसको सीखने को मिलेगा कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमंस ग्रोह किए, ह्यूमंस ने इवोल्यूशन किया है, तब से लेकर के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ह्यूमैनिटीज के सामने और उन सारे सवालों के जवाब ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन देता है। साथ ही साथ ये सोसाइटी के फीचर्स को भी ये बताता है। तो इसके अंदर अगर जो आपको सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे पहला तो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी का काम क्या है? फिलॉसफी का काम है इस संसार में दिखने वाले जो ह्यूमैनिटीज के सबसे जटिल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे? इसके अलावा हिस्ट्री, इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स आपको दिख सकते हैं, जैसे कि फिलॉसफी या फिर जो विजुअल आर्ट्स होता है, रिलीजन होता है, विजुअल आर्ट्स जिसको आप परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कहते हैं, अलग अलग टाइप के आर्ट्स। और इसके अलावा आपको नजर आएंगे रिलीजन और थियोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली वो सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में आते हैं और ये हमारे समाज के प्रॉपर्टीज, फीचर्स को बताते हैं। या फिर अगला इनका काम होता है कि जो ह्यूमंस के जो सबसे कोर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन क्या है, कौन सा मूल तत्व है हमारे यूनिवर्स का, उन सब चीजों के बारे में ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन हमें बताती है। एक और डिसिप्लिन है सोशल साइंसेज। सोशल साइंस में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं? तो सोशल साइंस में इस समाज में जो ह्यूमंस होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स, ये ज्यादा उस सब्जेक्ट को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप अपने सोसाइटी में देखिएंगे तो जो रिलेशनशिप आपका अपने परिवार के लोगों के साथ या आपका अपने दोस्तों के साथ है, वही रिलेशनशिप किसी पुलिस वाले के साथ नहीं है। पुलिस वाला हो, कोई लीडर हो,
कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, ये सारे एक सोसाइटी के एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में दिए हुए समाज के पार्ट है, इंडिविजुअल्स है। और इन सब के अंदर जो रिलेशंस होते हैं इसको हमें सोशल साइंस जो डिसिप्लिन होती है वो समझाती है क्षेत्र। तो इसके अंदर अगर सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे तो यू विल फाइंड सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, इसके अंदर सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे आपको ज्योग्राफी, इसके अंदर और भी कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस। और इंटरेस्टिंग रूप से इसमें हम लोग इतिहास भी रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन दोनों के बीच में ये वैरी करता रहता है। इतिहास में कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ढूंढेंगे जिनका जवाब ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव से आएगा, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर, जो भी नेचर हमारे आसपास है जब हम उसके फेनोमेना को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए नेचुरल साइंस डिसिप्लिन हमारा हेल्प करता है। तो इसमें देखेंगे तो मेनली नेचुरल साइंस में दो तरह के और फर्दर डिसिप्लिन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक डिसिप्लिन है जिसको लाइफ साइंसेस कहते हैं। लाइफ साइंसेस बेसिकली बायोलॉजी होता है, जो आम भाषा में हम लोग इसको बायोलॉजी कहते हैं। और इससे हम लोग जो हमारे आसपास जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके इवोल्यूशन की प्रक्रिया, उनके अंदर किस तरह की संरचना है, बनावट कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषता क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। दूसरा नेचुरल साइंस में जो डोमेन है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में अपार्ट फ्रॉम द लाइफ साइंसेस जो भी नेचर में हो रहा है फिनोमेना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरह एक और डिसिप्लिन है फॉर्मल साइंस। और फॉर्मल जो वर्ड बना है वो बना है फॉर्म्स। फॉर्म का मतलब कि नेचर के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट शेप होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स होते हैं, ये डिसिप्लिन हमें उनको समझने में मदद करता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक प्लैनेट है, तो एक प्लैनेट अपने सन के हर, क्योंकि सन प्लैनेट सिस्टम में एक स्टार होता है सेंटर में और उसके आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमता है, उस एलिप्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए, उसी तरह सर्कल का इक्वेशन क्या होना चाहिए, सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से लोकस डिफाइंड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो जो डिसिप्लिन हमें पढ़ना चाहिए, जो डिसिप्लिन से हमें हेल्प मिलता है ये सब समझने में, वो है फॉर्मल साइंसेस। तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो होते हैं मैथ्स। उसी तरह लॉजिक भी एक सब्जेक्ट है जो हमें ये सब, उसी तरह कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स के ऊपर या एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। और आखिरी जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली कोई स्टडी नहीं है, ये एक अचीवमेंट ऑफ गोल इसको कहा जा सकता है, कि आपने जो भी अपनी पढ़ाई की, जो भी थ्योरीज आपने पढ़ा उसके मदद से जो आपको नॉलेज मिली उसके हेल्प से आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी मशीनरी को डेवलप करना चाहते हैं, किसी स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं या कोई भी चीज़। तो बेसिकली अप्लाइड साइंसेज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इस तरह की सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिले। तो इतिहास जो कि आज हमारा डिस्कशन का या चर्चा का विषय है वो ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस इन दोनों से ताल्लुक रखने वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री का एटिमोलॉजिकल जो वर्ड है कि हिस्ट्री जो बना है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब
पूछताछ करना, किसी सोर्स को देख करके उससे कुछ नॉलेज हासिल करना। तो जब हम अपने पास्ट के बारे में बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, या अलग अलग सोर्सेस को देख करके ये पता करना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो उसको हिस्टोरिया यानी नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी कहते हैं। और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो इसी ग्रीक लैंग्वेज, इसी ग्रीक भाषा के इस वर्ड से बना हुआ है। यानी हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? पास्ट में देखना और तरह तरह के सवालों के जवाब ढूंढना। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिहाज से हमें किस तरह के सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में आखिरकार क्या क्या है। तो जैसा कि एग्जाम सिविल सर्विसेज का 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर इंटरव्यू को छोड़ दें तो ये 2 स्टेजेस हमारे सामने होते हैं जिनको हमें क्लियर करना होता है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में अगर बात करें तो हिस्ट्री के सिलेबस में साफ साफ लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें और इसके अलावा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगी डिटेल में चीज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। उसी तरह मेंस के एग्जाम में सिलेबस क्या किया है, थोड़ा सा और भी ज्यादा डिफाइन किया गया है इसको। और यहां आपको मिलेगा कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 के बाद जो भी इवेंट्स हुए, जो भी इश्यूज रहे और जो भी पर्सनालिटीज आए, मेन पर्सनालिटीज, उनके बारे में, यानी इवेंट्स, इश्यूज एंड पर्सनालिटीज फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी टिल प्रेजेंट। इसके पीछे के इवेंट्स इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट रूप में कभी भी इनसे प्रश्न नहीं आएंगे। साथ ही साथ दूसरा एक और जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, मेजर इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है? जब इन दोनों में अगर आप देखने जाएं तो ज्यादा बड़ा सिलेबस ये हुआ या फिर मेंस के एग्जाम का सिलेबस हुआ, तो ज्यादा बड़ा सिलेबस हुआ प्रिलिमिनरी एग्जाम का, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो 3 अलग अलग खंडों में डिवाइडेड होता है। वो 3 खंड क्या है? तो हिस्ट्री को 3 खंड में, जैसे कि एंशियंट, मिडाइवल मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 अलग अलग खंडों में हिस्ट्री डिवाइडेड है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हम आराम से इसको समझ पाए। तो अब एंशियंट हिस्ट्री कितने से कितने पीरियड के बीच के इतिहास को हम लोग कहते हैं? तो लगभग 6th सेंचुरी एडी तक हम लोग इसको एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं या फिर अर्ली मिडाइवल एजेस कहते हैं। जब से इस्लामिक इन्वेजन भारत में शुरू होता है उस समय से पीरियड को, और जब तक इस्लामिक रूल रहा ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक, उस पीरियड को हम लोग मध्यकालीन भारत या मिडाइवल एज कहते हैं। साथ ही साथ अंग्रेज जो यहाँ पे आए और जिस तरह से उन्होंने अपना एक मॉडर्न सिस्टम से रूल करना स्टार्ट किया, या फिर जो आइडियाज ईस्टर्न वर्ल्ड में आ गए बाहर से, वेस्ट से, उनको हम लोग मॉडर्न आइडियाज कहते हैं, जो कि रेनाइसेंस के बाद से आए थे, तो उस समय से माना जाता है कि मॉडर्न पीरियड भारत में शुरू होता है। तो इन 3 खंडों में डिवाइडेड हिस्ट्री को यहां पर अलग से कुछ नहीं बताया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है एक वर्ड कि हिस्ट्री पढ़िए आप, यानी क्वेश्चन आपके एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों से पूछे जाएंगे। लेकिन मेंस के एग्जाम में ये थोड़ा सिलेबस छोटा किया हुआ है, क्योंकि 1750 के पहले तक के इवेंट्स को उस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में नहीं कभी भी यहाँ पूछा जाएगा। तो हमारे पास एक एडवांटेज मिलता है यहाँ पे मेंस एग्जाम में। सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस, इतिहास का मतलब क्या होता है वो हमने समझा, सिलेबस क्या है वो हमने समझा, तो अगला चीज हम लोग समझते हैं जो कि है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इतिहास पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, और इतिहास में जो हमने सवाल देखे थे कि कौन से पास्ट के सवालों के जवाब आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उन सवालों के ऊपर, पास्ट के।
तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट में कई तरह के सवाल हो सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कि पहला सवाल कोई ये पूछना चाहता है, एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पीरियड है, मान लीजिए गुप्ता पीरियड, और आपसे कोई सवाल ये पूछ रहा है कि गुप्त काल का आप इतिहास बताइए, यानी अब इतिहास में क्या बताएंगे उसको। तो गुप्त काल के इतिहास में तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी। वैसे गुप्त काल जो पीरियड है लगभग ये 240 एडी से लेकर के 550 एडी तक भारत में रहा ये पीरियड है। ये लगभग 300 सालों का जो समय है, इस समय के बारे में आपको बताना है। तो अब हमारा एक अप्रोच या एक सिस्टम कैसे होना चाहिए कि हम सिस्टमेटिकली वन बाय वन एक एक चीज उसको बता पाए जिसने भी हमसे सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या बताना चाहते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, यानी इतिहास में जो पहला सवाल पूछा जाता है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब कि क्या वहां पे शासन की कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, और अगर शासन का कोई व्यवस्था था तो वो किस तरह का शासन व्यवस्था हुआ करता था, राज व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग देयर इफ इट इज एग्जिस्टिंग। तो क्योंकि शासन व्यवस्था कई अलग अलग तरह के हो सकती है, जैसे कहीं पे मोनार्की हो सकता है, कहीं पे डेमोक्रेसी भी हो सकता है जब लीडर को या रूलर को प्रजा चुनती है। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि गुप्त काल में पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी। तो क्या यहाँ पे राजा का शासन था, मोनार्की था? तो हाँ, हम आगे पढ़ के समझेंगे कि हाँ वहां पे मोनार्की था, राजा का एक शासन था। श्रीगुप्त ने इस पूरे गुप्त काल की नींव को रखा। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए, उनके बाद अलग अलग रूलर्स आए, और एक यहाँ पे प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट हुआ करता था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और हेरिडिटरी मोनार्की का ये एग्जाम्पल बनता है। तो ये हो गया पहला सवाल, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हमने इसका जवाब दिया कि हाँ इस तरह से राजा होते थे, कौन राजा बनता था, और वो राजा बनने के बाद क्या क्या काम करता था, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होते थे, किस तरह फैसले लिए जाते थे, और तमाम तरह की बात। अब जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल सवालों के जवाब दे चुके हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या सवाल उठता है कि समाज कैसा था, गुप्त काल में सोसाइटी कैसी थी, कि सोसाइटी के अंदर महिलाओं को राइट्स मिलते थे कि नहीं मिलते थे, प्रॉपर्टी राइट्स या और भी तरह के राइट्स। उसी तरह समाज में कई अलग अलग जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वृद्ध लोग हो गए, जैसे मान लीजिए और भी कोई विकलांग लोग हो गए, उनका क्या स्टेटस था वहां पे, उनके लिए स्टेट किस तरह की पॉलिसीज चलाता था, समाज में क्रिमिनल्स को किस तरह से पनिश किया जाता था। तो ये बेसिकली सोशल हिस्ट्री कहलाता है। तो जब हम इन सब चीजों के जवाब दे देंगे, इसका मतलब हमने सोसाइटी के बारे में बताया है गुप्त काल में। जब इन सब के जवाब दे देंगे तो हमारे पास अगला चीज जो आता है वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन, कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी यहाँ के लोगों की, क्या वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, या इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा बूमिंग थी, या इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था वहां पे। तो इन सब चीजों के जवाब हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री में या इकोनॉमिक कंडीशन को बताने से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुमार गुप्त के समय आते आते तक गुप्ता पीरियड में इकोनॉमिक कोलैप्स के जैसा हो गया था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा व्यापार रोमन एम्पायर से चलता था। तो इनका व्यापार, क्योंकि रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया, तो व्यापार क्षतिग्रस्त हुआ, और उस वजह से इनके व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और इकोनॉमिक थोड़ा स्लो डाउन हुआ। साथ ही साथ जो फॉरेनर्स इस समय इन्वेजन करते थे वो बेसिकली ट्रेड रूट्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे। तो ट्रेड रूट्स पे डिस्टर्बेंस और रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड का ही कोलैप्स होना, इसके वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के पीरियड में, क्योंकि उस समय के जो कॉइन्स मिलते हैं उसके अंदर गोल्ड का कंटेंट बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर प्रेडिसेसर्स। यानी इकोनॉमिक कंडीशन बताने से आप ये बता पाएंगे कि गुप्ता पीरियड में या सो कॉल्ड किसी भी पीरियड में वहां पे इकोनॉमी या आर्थिक हालात कैसे हुआ करते थे।
और जब इन सारी चीजों को हम लोग बता देंगे तो आखिरी एक चीज बचता है कल्चर के बारे में, कि इस समय काल में किस तरह से कल्चर में डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट्स। कहीं कोई ऐसे तो नहीं आ गए कि लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, या फिर कई फिलोसफी के फील्ड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखिएगा गुप्त काल में तमाम तरह के फील्ड्स में, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, या फिर लॉजिक, रीजनिंग, आर्किटेक्चर, इन सब में बहुत जबरदस्त तरीके का एक डेवलपमेंट हुआ था। यानी इस समय कल्चर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया था, और इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा कि पास्ट में हमें इन तरह के सवालों के जवाब देखने चाहिए, इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, और इससे हम लोग ये बता पाएंगे कि हाँ, लगभग 240 से लेकर के 550 एडी के बीच में भारत में इस तरह का कंडीशन रहा। पूरे भारत में नहीं, ये खास एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे निर्भर करता है। यहाँ हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में इस तरह के कंडीशंस थे। तो हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री में जो पास्ट के सवाल हुए, उनमें मुख्यतः इस तरह के सवाल को हमें एड्रेस करना चाहिए। अब आते हैं कि हमारा हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। अप्रोच, तो अप्रोच में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी। हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब है कि जब आप एक टाइम लाइन बना करके सारे इवेंट्स के सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं। जैसे किसी अगर गुप्त काल का ही एग्जाम्पल दिया जाए, तो मान लीजिए 550 एडी के आसपास आखिरी गुप्त रूलर, या गुप्ता डायनेस्टी के आखिरी जो रूलर रहे होंगे, उनका अंत होता है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद आपको दिखाई देगा एक फिर से एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी भारत में शुरू होती है, जहां पे गुप्ताज के जो फ्यूडेटरी हुआ करते थे, वो सारे के सारे अपने अपने पावर को एसर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं अपने सारे इलाके में, और इनके बीच में एक संघर्ष होता हुआ आपको दिखाई देगा, एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है कि जब भी आप इतिहास में किसी पावरफुल हाउस को कमजोर होता हुआ देखेंगे, तो छोटे छोटे जो उनके फ्यूडेटरीज होते हैं, वो सारे के सारे ग्रो करते हैं और अपने इलाके में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं कि भाई अब हम सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी को मानने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा मजबूत तो आप खुद हो चुके हैं। सो दैट्स हाउ हिस्ट्री इज। तो अगला इवेंट क्या होगा? तो अगला मेजर इवेंट, क्योंकि इवेंट्स तो बहुत सारे हो रहे होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ होता होगा, तो सारे दिन को हम लोग हर एक घंटे को तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगला जो मेजर इवेंट होगा वो आपको दिखेगा लगभग 600 एडी के आसपास, जब ये सारे जो इंडिपेंडेंट रूलर्स, या छोटे छोटे रूलर्स जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था इन लोगों ने, उसमें एक मजबूत डायनेस्टी उभर के सामने आती है, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी है, और उसके अंतर्गत एक बहुत महान राजा बाद में आते हैं, हर्षवर्धन, जिन्होंने फिर से वापस सारे लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश किया, यूनिफाई या फिर सबडू करने का एक कोशिश किया, और बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो उन्होंने फिर से एक संगठित राज्य की स्थापना करने की कोशिश की, हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्यूडलिज्म जैसा एलिमेंट्स आ जाता है, तो वो तो हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर से वही कि जब ये पुष्यभूति का हाउस, जिसने सबको यूनाइट किया था, एक संगठित राज्य बनाया था इसने, जब ये कमजोर हुए, तो फिर से इनके जो फ्यूडेटरीज थे उनका राइज हुआ, और भारत में वापस से एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम और एक संघर्ष शुरू होता है। और इसी बीच में क्या होता है? तो पहला इस्लामिक इन्वेजन, जो कि सक्सेसफुल रहा, सिंध में होता है, जिसको हम लोग अरबिक इन्वेजन कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध के राजा दाहिर को वहां पे हराता है, जो कि हिंदूशाही के डायनेस्टी के थे, और इससे एक नया तरह का इवेंट शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद भारत में अगर देखें ज्योग्राफिकल लोकेशन में, तो वो संघर्ष चलता रहा अलग अलग पार्टीज के बीच में, जो कंटेंडर्स हुआ करते थे पावर के लिए, जैसे पालाज हो गए बंगाल के साइड से, राष्ट्रकूट हो गए कर्नाटक के साइड से, और इसी तरह राजपूतों का एक समूह जो गुर्जर प्रतिहार कहलाता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ से, तीनों मिलकर के एक संघर्ष में लिप्त रहते हैं,
और इनके ऊपर फॉरेनर्स का इन्वेजन चलता रहता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहते हैं। मोहम्मद गजनी हो या गोरी हो, ये सारे लोग यहाँ आए और काफ़ी इनको कामयाबी मिली, बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने यहाँ से लूटपाट किया, क्योंकि भारत में सारे लोग आपस में लड़ लड़ के कमजोर हुए। अब ये जो है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी ये क्या चल रहा है, एक टाइम लाइन चल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। और दिस इज हॉरिजॉन्टल, एक के बाद एक घटनाक्रम में सजा करके हमें समझना चीजों। और वर्टिकल स्टडी क्या है, किसी भी टाइम पीरियड पे जाकर के अगर आपने उस पीरियड में पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, इंटेलेक्चुअल कंडीशन, डेवलपमेंट इन साइंस टेक, अगर इस तरह से आपने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्टडी। तो हमें अपने इतिहास का अप्रोच कैसा बनाना होगा कि पहले टाइम लाइन को आप समझें पूरा का पूरा, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पीछे से समझना चाहते हैं और कितने आगे तक। तो एक फिक्स टाइम लाइन बनाए, उसके ऊपर मेजर इवेंट्स को अंकित करें और उन्हीं मेजर इवेंट्स का वर्टिकल स्टडी करें। तो ये हो गया हमारा अप्रोच। तो इससे आपको इतिहास को अब जिस तरह से आप समझेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो। अब अगली चीज जो हम लोग इतिहास को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने से पहले समझते हैं वो है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी आज के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियोग्राफी का बेसिक मतलब है इतिहास को लिखना या क्रिएट करना या रिक्रिएट करना, रिक्रिएशन ऑफ द पास्ट। जैसे आप देखते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे, कहीं कुछ क्राइम होता है तो जो मुजरिम होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं वहां पे, और जो क्राइम सीन होता है वहां पे फिर से उस मुजरिम से पूछ पूछ कर सारी घटनाओं को रिक्रिएट करते हैं, ताकि जो सबूत उस घटना स्थल पे कहीं पे पाया गया हो उसमें से और भी कुछ प्रूफ को निकाला जा सके, या एटलीस्ट जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए होंगे क्राइम के वक्त उसको कम से कम समझा जा सके। उसी तरह इतिहास में, अब क्योंकि पास्ट में तो हम में से कोई भी नहीं था, तो पास्ट में उन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे कैसे, तो ढूंढने के लिए हमें बेसिकली रिक्रिएट करना पड़ता है अपने इतिहास को, रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन कैसे करेंगे, पहले तो इस प्रोसेस को हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और रिक्रिएशन करने के लिए हमें साक्ष्य ढूंढने पड़ेंगे, सोर्सेस। रिक्रिएशन इज डन थ्रू स्टडी ऑफ सोर्सेस, साक्ष्य। और ऐसा मैंने इसलिए कहा कि ये आज के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि न्यूज में या टीवी मीडिया में या आर्टिकल्स पे, या मैं अगर खुल के ही कहूँ तो आप देखेंगे जैसे एनसीईआरटी से मुगलों का चैप्टर गायब करना या फिर नए चैप्टर्स को लाना, इस तरह के जो न्यूज आते हैं ये बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी से ही संबंधित न्यूज। कैसे, तो उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक सोर्स को, अब सोर्स पहले जान लेते हैं किस तरह के सोर्स हो सकते हैं, तो सोर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। जैसे मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब आर्कियोलॉजी में आप ढूंढने जाएंगे, जब एक्सकेवेट करेंगे किसी हिस्टोरिकल साइट को, तो वहां पे तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और उन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके अपने इतिहास के किताब में लिखा जाता है, उसी को हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। अब देखिए कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए दो अलग अलग लोग गए, अलग अलग मेंटेलिटी के, इन्होंने कुछ एक्सकेवेशन किया वहां पे, और सपोज इनको एक पॉटरी मिली, मान लीजिए इस तरह का एक बर्तन इनको मिलता है एक्सकेवेशन करने से, बर्तन बहुत खूबसूरत था, इसके ऊपर तरह तरह की नक्काशी, पेंटिंग, ये सब बनाया हुआ था, जो देखने से ही लगता था कि एक डीलक्स पॉटरी या फिर बड़ा अच्छा सिरेमिक स्टाइल में बना हुआ पॉटरी। साथ ही साथ इसी साइट पे जहां पे ये एक्सकेवेशन हुआ, बगल में थोड़ी सी ही दूर पे, या मान लीजिए एक ही कंपाउंड में एक दूसरा पॉटरी मिलता है जो कि बड़ा रगेड फॉर्म का पॉटरी है, इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं बना हुआ है और ये पूरा रफ पॉटरी है, जिसके अंदर बहुत बेसिक सा टेक्निक, जो पॉटरी मेकिंग का जो टेक्निक हो, एकदम
प्राचीन एकदम बेसिक टेक्निक यूज किया, सिर्फ मिट्टी का वो एकदम बनाया हुआ है उस तरह से। तो एक तरफ डीलक्स पॉटरी, एक तरफ रगेड पॉटरी, और दोनों लगभग एक ही जगह के साइट से मिले। अब एक इतिहासकार इस तरह के पॉटरी को देख करके किस तरह से वो हिस्टोरियोग्राफी करेगा? तो हो सकता है एक एंगल ये निकल सकता है कि देयर वॉज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी यहां पे जो भी समाज होगा उसके अंदर इनइक्वालिटी हो सकता है। कुछ अमीर लोग होंगे जो इस तरह की पॉटरी यूज कर रहे होंगे, जिनके ऊपर बहुत अच्छा फिनिशिंग या बहुत अच्छा प्रिंटिंग डिजाइनिंग किया गया है, डीलक्स तरह का पॉटरी होगा। और कुछ लोग वहां पे हो सकते हैं जो थोड़े से कॉमन मैन या गरीब आदमी होंगे, गरीब लोग होंगे, जो एकदम रफ और प्रिमाइटिव, सस्ते चीप तरह की पॉटरी का भी यूज करते होंगे, यानी समाज में इनइक्वालिटी। तो खोजने से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिला तो पॉटरी, लेकिन उससे हमें समाज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अब उसी तरह कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये डिपेंड करता है कि हु राइट्स हिस्ट्री फॉर होम, यानी इतिहास लिखने वाला जो आदमी है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस ऑडियंस को टारगेट करके इतिहास लिख रहा है। यही मुद्दा हमें अभी करेंट टाइम में देखने को मिलता है। और दूसरे एग्जांपल से अगर समझे तो मान लीजिए कहीं पे किसी को एक क्वाइन मिला, तो स्टडी ऑफ क्वाइन को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हिस्टोरियोग्राफी का, न्यूमिस्मेटिक्स यानी स्टडी ऑफ क्वाइंस। तो मान लीजिए किसी को क्वाइन मिला और क्वाइन के ऊपर कुछ हिंदू देवी देवता के आकृति बने हुए थे, यहाँ गॉड्स, हिंदू गॉड्स। मान लीजिए कुशानों का क्वाइन है, कुशानों का जो सिक्का था उसके ऊपर हिंदू गॉड्स की आकृति हमें मिलती है। अब कुशान क्योंकि चाइना से आए थे, तो अगर इसके ऊपर हिस्टोरियोग्राफी की जाए इस क्वाइन को देख करके, तो अलग अलग तरीके के एंगल सामने आ सकते हैं। जैसे एक एंगल सामने आ सकता है कि कुशान एक्सेप्टेड हिंदुइज्म, या कुशानों ने यहाँ आए और यहाँ आकर के यहाँ का जो लोकल रिलीजन हुआ करता था उसको एक्सेप्ट किया। एक दूसरा जो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है वो ये कि कुशानों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, हो सकता है यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को खुश करने के लिए एक सिंबॉलिक रूप से क्वाइन निकाला जिसके अंदर यहाँ के लोकल देवी देवता बने हुए थे। तो अब दो एंगल हो गए। अब किसको सच माना जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि ये जो दोनों एंगल बताने वाले जो इतिहासकार, वो अभी कंटेम्प्ररी है, आज है, उनमें से कोई भी कुशानों के समय प्रेजेंट नहीं था, मौजूद नहीं था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी बातें सुनना चाहते हैं, आपका मन किस सच को जानने या किस सच को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तो जिसको मेजोरिटी ऑफ लोग एक्सेप्ट करते हैं वही पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा फेमस होता है और उसको हम लोग ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है समाज में। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हमेशा रहता है। तो एक इतिहास का हिस्टोरियोग्राफी जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन इतिहास लिख रहा है और टारगेट ऑडियंस उसके लिए क्या है। तो खैर, हमारे लिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की दुनिया में हमें इन सब चीजों से दूर, हमें हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ता है और एक न्यूट्रल रूप से उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। यहां पर हम किसी तरीके से किसी रिलीजन के लिए बायस नहीं हो सकते, या किसी पॉलिटिकल, जो भी हमारे ऊपर पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है उसकी तरफ झुक करके उसके हिसाब से हम नई चीजों को देख सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में हमें एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ ही काम करना पड़ता है। खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। अब तक हमने ये देखा कि हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन वो क्या है। तो हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज, इन दोनों के बीच में ओवरलैप करता हुआ एक सब्जेक्ट है जो हमें ह्यूमैनिटीज के बारे में भी बताएगा और समाज के बारे में भी बताएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच क्या है। तो हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच यही है कि किसी भी टाइम पीरियड का हम पॉलिटिकल, सामाजिक, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन बताएं, यानी हमने लगभग 70% इतिहास बता दिया है उस समय का। और हमने क्या सीखा कि अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अप्रोच होना चाहिए कि एक हम हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन बनाएं और जो मेन मेन टाइम पीरियड्स है
उस पर जा करके वर्टिकल स्टडी करें। तो चलिए इसी तरह से अगर हम लोग एक टाइमलाइन बनाएं जिसको हम टाइमलाइन ऑफ मेजर इवेंट्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो मैंने सुविधा के लिए एक रेफरेंस लिया हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम टिल 8000 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब वो आज से 8000 साल पहले तक का समय रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे आप इस टाइमलाइन पे आगे जाएंगे इसका मतलब आप समय में और पीछे जा रहे हैं, 8000 साल पहले, 10000 साल पहले, 40000 साल पहले, कहीं पे 25 लाख साल पहले और कहीं पे 13.8 अरब साल पहले। तो ये हमारा एक टाइमलाइन हुआ। आइए देखते हैं कि इसके मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं। तो मेजर इवेंट्स जो हमारे सबसे पहले, अगर हम सारी, क्योंकि मैंने कहा ही कि हमें अप्रोच रखना चाहिए कि हम एकदम बिगिनिंग से, शुरुआत से एकदम पढ़ें, तो सबसे शुरुआत में क्या दिखेगा हमें? सबसे शुरुआत में दिखेगा यूनिवर्स, या हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास मान लीजिए एक क्लासरूम है, या फिर क्लासरूम के बाहर एक मार्केट होगा, उस मार्केट के बाहर एक शहर दिखाई देता है, शहर के बाद एक जिला दिखाई देता है, जिले के बाद एक राज्य है, कंट्री है, कंट्री कहाँ है तो एक अर्थ के ऊपर है, अर्थ एक सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम उसके, तो ये सारा जो एक पूरा हमारे आसपास एक ब्रह्मांड जो निर्मित हुआ हुआ है, ये लगभग आज से 13.8 बिलियन साल पहले बना था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। यानी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स कैसे बना इसका भी अपना एक एक्सप्लेनेशन है जो हमें बिग बैंग थ्योरी देती है, कि सबसे पहले एकदम एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, या एकदम प्रिमाइटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स का जन्म हुआ, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ दो पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म न्यू पार्टिकल्स, तो पूरे ब्रह्मांड का उसी तरीके से जन्म हुआ। तो हम इसके वर्टिकल स्टडी को भी कर सकते हैं। खैर चलिए मान लेते हैं इस समय के लिए कि ब्रह्मांड बन गया। अब ब्रह्मांड बना है तो उसके अंदर वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी बनेंगे, तो जैसे तारे, तो मान लीजिए एक तारा जो हमारा सबसे नजदीकी तारा है वो है सूरज, जो हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अगर ये तारा बना है तो इस तारे के आसपास छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि तारे के बाद प्लैनेट्स बनते ही बनते हैं, कुछ प्लैनेट्स या सॉरी कुछ तारे जो होते हैं उनके अपने प्लैनेट या प्लैनेटरी सिस्टम नहीं भी होता है। खैर हमारा जो अपना तारा है सूरज, उसके आसपास 8 प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ है वो सूरज से लगभग तीसरा प्लैनेट है। तो ये सन और प्लैनेट का जो सिस्टम है ये लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं। यानी सोलर सिस्टम बना है तो अर्थ भी बन गया है, यानी अर्थ का जो जन्मदिन है, जो हमारी पृथ्वी का जन्म दिन है, वो लगभग आज से 4.6 बिलियन साल पहले है। अब अर्थ बन गया है, अब अर्थ पे बाय एक्सीडेंट जीवन आता है और ये जीवन पनपता है और धीरे धीरे इवॉल्व होता है कई फॉर्म्स के ऊपर। यानी अगला जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है वो है लगभग 3 बिलियन साल पहले, और जो सबसे प्रिमाइटिव जीवन मिला है हमारे अर्थ के ऊपर वो लगभग 3 बिलियन साल पहले का ही है। हाँ उस समय के जो सेल्स थे वो बहुत प्रोकैरियोटिक लेवल के सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके सेल ऑर्गेनल्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे। हाँ लेकिन फिर भी जीवन तो है, जीवन तो जीवन है। तो लगभग 3 बिलियन साल पहले लाइफ स्टार्टेड, इट इज बिलीव्ड, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि लाइफ शुरू ही हुआ इस समय, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि समुद्र के नीचे मैरीन सबमैरीन लाइफ स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लगभग 3 बिलियन साल पहले। उसी तरह अगर इसी सीक्वेंस में और भी आगे बढ़ाएं तो लगभग 2.1 बिलियन साल पहले पहली बार साइनोबैक्टीरिया ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किया, और जब ऑटोट्रॉप्स आ गए हैं तो ऑटोट्रॉप्स कैन प्रिपेयर फूड फॉर अदर हेटरोट्रॉप्स। इसी तरह धीरे 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 अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का जन्म होता है
और जो प्रोकैरियोटिक लेवल के सेल्स हुआ करते थे जिनको किसी भी तरह का सेंस नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे इवॉल्व होकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। नाउ जो अगला टाइम पीरियड है अब ये जो टाइम पीरियड है लगभग 2.5 मिलियन साल पहले, ये वो टाइम पीरियड है जब ह्यूमंस का विकास शुरू होता है। यहां पे जो आपको होमिनिड्स दिखाई देंगे, होमिनिड्स का मतलब है होमो सेपियंस के पहले के वंशज, मतलब चिंपैंजी और होमो सेपियंस इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन फेज में जो लोग आए थे, जिन्होंने अपराइट होकर के चलना शुरू किया था, जिसको होमिनिड्स कहते हैं, वो उस समय आकर के इन्होंने थोड़ा थोड़ा नेचर में अपना डोमिनेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेचर में अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू किया अलोंग विद अदर स्पीसीज। तो इस समय जो स्पीसीज आए उसमें से बहुत सारे स्पीसीज थे, जैसे एक तो हो गया होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब जो खड़ा होकर के अपराइट होकर के चल सकता है। इसी तरह इसके मिलते जुलते स्पीसीज हुए होमो हैबिलिस और भी कई तरह के होमो स्पीसीज जो बेसिकली एकदम प्रिमाइटिव फॉर्म ऑफ ह्यूमंस है, जिनके अंदर उस समय कॉग्निशन उतना ज्यादा नहीं है, बौद्धिक विकास उतना नहीं हुआ है, फिर भी वो खड़े होकर के चल पाते हैं। जैसे ही वो इरेक्टस होंगे तो धीरे धीरे ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है और समय आगे बढ़ता रहता है। तो इन लोगों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली और हम कैसे बता पा रहे हैं कि होमो इरेक्टस टाइप के कुछ लोग वहां पे थे, क्योंकि उन लोगों ने जैसे जैसे दिमाग का थोड़ा थोड़ा विकास शुरू हुआ कुछ स्टोन टूल्स हमारे लिए छोड़े हैं। हमारे लिए तो नहीं, उन्होंने अपने लिए छोड़े थे, लेकिन उनका आज हम लोग स्टडी करके ये बता सकते हैं कि उस समय जो भी यहाँ पे प्राणी हुआ करते थे ह्यूमन फॉर्म के जैसा दिखने वाले, वो सारे लोग पत्थरों के बने हुए औजार इस्तेमाल करते थे, जो कि दुनिया भर के अलग अलग पैलियोलिथिक साइट्स पे हमें एक्सकेवेशन में मिलता है। यानी क्या मिला हमें, यानी 2.5 मिलियन साल से लेकर के 1 लाख साल पहले तक, 100,000 BC, इस पूरे पीरियड को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एजेस कहते हैं। यानी ऐसा पीरियड जिसका हिस्टोरियोग्राफी हमने यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे उसके आधार पे किया है, क्योंकि इनका इतिहास भी हम ही लोगों ने लिखा है, हमारे जैसे किसी कोई दूसरे हिस्टोरियन ने लिखा है, लेकिन वो हिस्टोरियन कंटेम्प्ररी है, आज का हिस्टोरियन है। तो उन्होंने जब लिखा है तो जो भी एविडेंसेस के बेसिस पे उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी किया है वो एविडेंसेस बहुत ही लिमिटेड है। यानी वो एविडेंसेस सिर्फ पत्थर के बने हुए स्टोन टूल्स हैं या किसी गुफा में बना हुआ पेंटिंग। खैर, इस पीरियड में तो पेंटिंग भी नहीं बना था। यानी ये बहुत प्रिमाइटिव स्टेज में रहते थे ये लोग, और इन लोगों ने जो भी स्टोन टूल्स बनाए थे उसके आधार पर इस पीरियड को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एजेस कहते हैं। तो बने हुए जो स्टोन टूल्स हैं वो बहुत कोर्स, बहुत रफली वो डिजाइन किया हुआ स्टोन टूल्स है। यहाँ पे जो भी स्क्रैपर्स है, जो भी मारने का औजार है, जैसा भी औजार है, तो वो हम लोग अलग फीचर्स बाद में कभी देख सकते हैं। धीरे धीरे इनका और भी विकास शुरू होता है और लगभग 100,000 के आसपास होमो स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज मिडिल पैलियोलिथिक एजेस, मिडिल पैलियोलिथिक, जिसके अंदर होमो सेपियंस का विकास शुरू होता है, सॉरी नियंडरथल्स का विकास शुरू होता है। होमो सेपियंस अभी नहीं आए हैं, लेकिन लगभग होमो सेपियंस जैसे ही स्पीसीज यहां पे आ जाते हैं, नियंडरथल्स हैं, डेनिसोवांस हैं, बहुत तरह के अलग अलग स्पीसीज, इनका जो कॉग्निटिव लेवल है वो इनसे ज्यादा है। और अगले आने वाले इस पीरियड के बाद यहां पे होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस से थोड़ा कम और होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से थोड़ा ज्यादा। तो जाहिर सा बात है जब इनके अंदर इंटेलिजेंस थोड़ा बढ़ गया है तो टूल्स जो ये बनाएंगे वो बेहतर मटेरियल के टूल्स बनाएंगे। तो इन लोगों ने चर्ट, जैस्पर, इस तरह के स्टोन्स से तरह तरह के टूल्स बनाना शुरू किया, और वो टूल्स जो था इनसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। उन्होंने टूल्स को किसी भाले के तौर पे या फिर एक पत्थर को बहुत अच्छे तरीके से फाइन करके
या फिर उसको बहुत चिकना करके एक लकड़ी के ऊपर बांध दिया धागे से और वो अब उसको थ्रो कर सकते थे। तो दूर से फेंकने वाला अस्त्र जाहिर तौर पे वो बहुत इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू नजदीक जाके आप मारें, तो नजदीक जाने से खुद भी मरने का खतरा होता है। नाउ दिस इज अ पीरियड इन विच दे हैव स्टार्टेड टू डेवलप, इवॉल्व होना शुरू किया इन लोगों ने और टूल्स में धीरे धीरे एडवांसमेंट लेकर के आते हैं। इसके अलावा क्या दिखेगा आपको, तो अराउंड 70,000 ईयर्स अगो एक थ्योरी है जिसको हम लोग आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये पीरियड है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इसका मतलब इंसान का बौद्धिक विकास एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू होता है और वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं होमोसेपियंस की तरफ। और इन्होंने क्या किया, अपने सारे जो कंपटीटर्स थे उनको एलिमिनेट किया और आज दुनिया पे एक छत्र राज कर रहे हैं। एनीवे, सो दिस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बिगिंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और दूसरा चीज कि जब ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन शुरू होता है उसी समय ये लोग सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से निकल करके दुनिया भर में फैलते हैं, ये जिसको हम लोग आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो माइग्रेशन भी चल रहा है, बौद्धिक विकास भी चल रहा है और ये लोग तरह तरह से अपने जीवन यापन करने के तरीके में और ज्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं। एनी लगभग 40,000 साल पहले क्या होता है, तो आज अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पे भीमबेटका केव्स मिलेंगे। भीमबेटका केव्स के अंदर इन्होंने बहुत सारा वॉल पे पेंटिंग बनाया हुआ है और इस पेंटिंग से आपको क्या मिलता है देखने को, यानी इस समय का जो मानव था थोड़ा क्रिएटिव भी हो चुका है, थोड़ा लीजर टाइम भी है उनके पास, या उसमें से जो पूरा ग्रुप है सोशल ग्रुप उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इनोवेटिव किस्म के लोग हैं, दीवार पे पेंटिंग ही बनाते हैं। और दीवार पे पेंटिंग को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो एक नए तरीके का हिस्टोरियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग में इन्होंने डे टू डे लाइफ में जो ये लोग काम करते थे उसको डिपिक्ट किया है। डे टू डे लाइफ में क्या काम करते थे, हंटिंग करते थे। डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे ओकेजन फेस्टिवल जैसा या किसी नेचुरल फोर्सेस का, सूरज का पूजा करना या चांद का पूजा कर लेना, उसके लिए लोग आग के चारों तरफ जमा होते थे। फायर को डेवलप किया इन लोगों ने, धीरे धीरे व्हील को बनाना शुरू किया, जानवरों के ऊपर सवारी करना, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो इन सब सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है इन पिक्चर्स में जो इन लोगों ने बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है हिस्टोरियोग्राफी का, सोर्स बनता है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लगभग 10,000 आज से लगभग 10,000 साल पहले एक ब्रेक थ्रू आता है। ब्रेक थ्रू क्या होता है, तो आइस एज का खत्म होना, यानी आइस एज एंड्स और होलोसीन बिगिंस। होलोसीन मतलब एज ऑफ ह्यूमंस, एज ऑफ होमोसेपियंस, मतलब आइस एज एक प्रोसेस है जो अर्थ के ऊपर हमेशा पीरियोडिक रूप से वो आता जाता है। आइस एज का मतलब है ग्लेशिएशन, जब अर्थ के ऊपर एक शीट ऑफ आइस आ जाती है टेम्परेचर कम होने के वजह से, इसको हम लोग आइस एज कहते हैं। उसके कई अलग अलग कारण है, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल जो आखिरी आइस एज लगभग 2.8 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था वो खत्म होता है इस समय। और जैसे ही आइस एज खत्म होता है तो जो होमोसेपियंस हुआ करते थे, जो कि ठंडे एनवायरनमेंट में रहने के लिए उतना एडेप्टेड नहीं थे, उतना वो रोबस्ट नहीं था उनका बॉडी जो कि एकदम बहुत हार्श विंटर्स को झेल जाए, अब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है वो धीरे धीरे वर्चस्व जमाना शुरू करते हैं नेचर के ऊपर, डोमिनेंस उनका आता है और तरह तरह की एक्टिविटीज जो एकदम नई थी वो शुरू करते हैं। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज लोअर पैलियोलिथिक एजेस, सॉरी अपर पैलियोलिथिक एजेस। और इस अपर पैलियोलिथिक एजेस में तरह तरह के नए नए एक्टिविटीज ये लोग शुरू करते हैं, जिसमें सबसे मेजर एक्टिविटीज है डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यानी खेती। सो नाउ अब हम लोग जो चीज समझेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू सेटल लाइफस्टाइल, तो ये कहानी वही लगभग 10,000 साल पहले। तो इसके आगे के जो इवेंट्स हैं हम लोग कल पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।